हाय, क्या शायरी बनाई मैंने। है वीकेंड, ट्रैफिक का एंड। रैप लिख सकता हूँ मैं। भाई देहरादून और यहाँ का ट्रैफिक, भाई हाईवे के नाम पे कहाँ घुस गए मैं। और यहाँ पे देनी है पर्ची। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। और भाई आज मैं निकल चुका हूँ फिर एक नई ट्रिप पे। आप सबके सामने तैयार है मेरी धन्नो। आज जा रहा हूँ भाई मैं मसूरी। आप सबने सुना होगा उत्तराखंड में है, बहुत ही प्यारी जगह है, हिल स्टेशन है बेसिकली। और एक दिन का ट्रिप होने वाला है। एक दिन बोले तो मतलब आज जा रहा हूँ, कल वापस भी आऊँगा। शॉर्ट ट्रिप है, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि कहीं भी जाने के लिए ना मैं कभी जल्दी नहीं जा सकता, हमेशा लेट होता ही होता हूँ। आज भी सेम हुआ। निकलना बताऊँ कब था भाई? सुबह 7 बजे। और टाइम देखो कितना हो गया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें 9:08 पर मैं यहीं हूँ। तो 2 घंटे लेट हूँ भाई, पूरे 2 घंटे लेट हूँ। देखते हैं भाई अब चलते हैं रास्ते में कब तक पहुँच पाते हैं। बाकी भाई एक चीज़ बतानी थी आपको, GoPro का जुगाड़ दिखाऊँ आपको? देखो भाई GoPro का जुगाड़ देखोगे मेरा? देखो भाई क्या हरकत कर रखी है मैंने। इसके बाद भाई जो इसका क्लिप आता है ना यहाँ का, वो मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने ऐसी देखो बिल्कुल कितने बड़े रिस्क पे चल रहा हूँ। मैंने कुछ नट बोल्ट नहीं लगा रखे, बस ऐसे ही अटका रखा है इसको, क्योंकि नीचे स्क्रू से टाइट कर रखा है। अब इस रिस्क पे मैं पूरी ट्रिप करने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है क्योंकि बाइक के साथ जो फील आता है ना लॉन्ग राइड वाला, अनबिलीवेबल होता है। तो भाई मैं, मेरी धन्नो, हम तीनों, ठीक है भाई। तो भाई मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में आगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो बताना भाई GoPro का व्यू कैसा लगा आप सबको। तो भाई जय श्री गणेश करते हैं और चलते हैं अपनी राइड पर, ठीक है भाई। टाइम 9:19 हो गया यार, और अभी तक मैं यहीं पर हूँ। अभी तक तो ऑलमोस्ट मुझे नियर बाय सहारनपुर होना चाहिए था यार, पर क्या कर सकते हैं, वही है ना, आदत से मजबूर इंसान क्या क्या करेगा। जैसे मेरी आदत है भाई, टाइम पे कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती मेरी तो, लेकिन इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा यार। बाकी आप बताओ भाई आपको साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मेरा माइक थोड़ा सा नीचे को आ रहा है। अब चलती बाइक में तो उसको सही नहीं कर सकता, बट आप लोग बताओ भाई आपको क्या लगता है। भाई ये हाईवे था एकदम से टूवे बन गया भाई। ये देखो ओवरटेक के लिए मना कर रखा है, बट फिर भी कुछ लोग मानते नहीं है भाई, ओवरटेक करेंगे। सिंगल लेन में भी नहीं छोड़, ये देखो सिंगल लेन में भी नहीं छोड़ते भाई लोग तो। भाई पूरी गैंग जा रही है देखो गाय की। ओ भाई क्या सीन था ये भाई, ओहो मेरे हार्ट बीट कितनी तेज हो रही यार। भाई कुत्ता था या बकरी थी पता नहीं यार भाई, बट ऐसे बीच रोड में यार, और पता नहीं कितनी गाड़ियां जा चुकी है पूरी। मतलब ये मान लो, पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम पे कैमरा ऑन कर लिया था यार, पता नहीं क्या चीज़ थी वो। उसके ऊपर से गाड़ियाँ पास हो रही हैं और एक्सीडेंट होने का भी भाई बहुत तगड़ा चांस है। मेरे को अजीब सा हो रहा है क्योंकि मेरी बाइक भी उसी चीज़ के ऊपर से आई है, पता है। छोड़े यार भाई, माइंड फ्रेश करते हैं, निकलते हैं आगे, एक अच्छी राइड पर जा रहे हैं हम, है ना। तो भाई मिलता हूँ मैं आपको आगे, ठीक है। हर हर महादेव। भाई गलती कर दी टाइम पे ना निकल के, क्योंकि भाई गर्मी ना, देखो अभी 10:20 ही हो रहे हैं, पर गर्मी बहुत भयंकर हो रही है यार। और अभी तो 12:00 बजे तक तो
बुरा हाल हो जाएगा यार। भाई एक चीज बोलूं, भले मैं लेट निकला लेकिन ट्रिप के पूरे मजे आ रहे हैं मुझे। वो जो बाइक चलाने का फील है ना भाई, तभी मुझे इस बाइक से प्यार है। क्या बाइक है यार, बवाल है एकदम बवाल। यहाँ पे हरियाणा खत्म हो चुका है और यहाँ से उत्तर प्रदेश लग चुका है। ये देखो भाई टोल, आपको टोल कह रहा मैं अभी, चेक पोस्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश लग चुका है। अभी तक जहाँ से हम आ रहे थे वो था भाई हरियाणा, ठीक है भाई। बहुत देर से ना मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कहीं, मतलब ऐसे ही साइड में रुक जाऊँ, बट कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब थोड़ा बहुत पेड़ पूड भी मिल जाता ना जिसके छाँव में खड़ा हो जाता, क्योंकि भाई मैंने भी बाइक स्लो की है, देखो ज़्यादा स्लो भी नहीं है, 70 पे है, लेकिन ऐसी हीट लग रही है ना गर्मी की, ओए होए। तो यार कहीं पे पेड़ मिल जाता ना तो उसके नीचे लगा लेता। मेरे को तो नीड नहीं है भाई रुकने की, मतलब मैं तो ओके ओके हूँ, बट भाई बाइक को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ये मिली तो है भाई जगह, देखो इसके नीचे छाँव है, बट मैं नहीं रुक रहा भाई इसके नीचे, मेरे को रिस्क ही लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बन रहा है यार, कुछ भरोसा नहीं भाई। नहीं इसके नीचे तो नहीं रुकूंगा मैं, भले धूप में खड़ा हो जाऊं। जगह ढूंढ रहा था बट एक बस स्टॉप मिला तो है, सोच रहा हूँ यहीं पर रुक जाऊँ, पर बाइक धूप में ही रहेगी फिर फ़ायदा क्या है भाई। कहूँ दोबारा जैसे मैंने बोला था भाई कि मैं 20 तक वेट करूंगा, लेकिन देखो टाइम 27 हो गया। यही है मेरा, लेट हो ही जाता हूँ मैं यार। अब मैप का समझ नहीं आ रहा है यार भाई, देखो एक एग्जिट है आपको सामने दिखा रहा होगा, देखो गूगल मैप पे देखो, ठीक है, और एक सामने से ऐसे निकल रहा है एग्जिट, और एक सीधा रोड जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ। नहीं भाई हाईवे के नाम पे कहाँ घुस गए मैं। मुझे लगा था भाई ये शॉर्टकट होगा, तो भाई भाई बाहर आया उस जगह से यार, बहुत पसीना आ गया था भाई। ऊपर से ये नया वाला हेलमेट है ये इतना टाइट है ना, बुरा हाल हो गया था वहाँ। 5-7 मिनट रहा, पर जो वाट लगी है ना अंदर, भगवान पूरा करके है भाई कोई जगह, ये ना हरिद्वार से पहले भगवान पूरा। फाइनली भाई हरिद्वार पहुँच गया, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। और भाई टाइम दिया था 12:53 का, 12:48 पे बोल रहा है ये, बट ये हरिद्वार अंदर डीपली होगा, मेरे को वहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ से सीधा देहरादून निकलना है, देहरादून से मसूरी के लिए। तो ये ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 13 किलोमीटर है ना इसमें, तो 13 किलोमीटर से सिर्फ मुझे 5 किलोमीटर ही चलना है इस रोड पे, फिर ये रोड सीधा देहरादून के लिए निकल जाएगी, उसके बाद देहरादून से हम जाएंगे मसूरी। तो भाई मौसम देखो, पीछे अभी जहाँ पे मैं था वहाँ पे धूप थी, और यहाँ पे देखो बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो चुका है। और ऊपर जैसे जैसे मसूरी की तरफ मैं चढ़ते जाऊँगा, क्या पता बारिश ही हो रही हो, तो अच्छी है मेरी किस्मत, मतलब ठंडा मौसम मिल जाएगा यार भाई। भाई मैंने बोला ही था कि बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब कहीं पर छत देखनी पड़ेगी जिसके नीचे रह सकूँ, क्योंकि गीला हो जाऊँगा यार। अजीब वेदर है, पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ पे सड़क पे बारिश नहीं है, पर वैसे पड़ रही है बारिश हल्की हल्की, बट सड़क पे नहीं है, लेकिन पीछे पूरा पानी का सैलाब है। मेरी बोलने की देर थी, यहाँ पे भी होने लगी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देहरादून भाई 18 किलोमीटर है, मसूरी है 52 किलोमीटर। मौसम तो बढ़िया हो गया भाई मसूरी जाने के लिए, अब देखते हैं मसूरी जाने तक का साथ देता है या नहीं देता भाई। उधर तो काले बादल हो रखे हैं, मुश्किल है भाई। यहाँ पे देखो फिर धूप आ गई। बारिश बिल्कुल बंद होगी, एक एक किलोमीटर में ना मौसम चेंज हो रहा है यार। पहले धूप थी, फिर बारिश जैसा मौसम हुआ, फिर बारिश हुई, फिर बारिश रुकी, फिर बारिश हुई, और अब बारिश गायब हुई तो धूप आ गई। अब मुझे लगता है आगे जाके फिर बादल आएंगे, फिर आगे जाके बारिश आएगी, फिर धूप आ जाएगी। तो भाई देहरादून पहुँच चुका हूँ मैं, अब जाना है मसूरी। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है यहाँ पे कि बारिश यहाँ पे ना मेरे आने से पहले हो चुकी है, मतलब अब नहीं हो रही है, तो मतलब मैं गीला तो नहीं होऊंगा। अब ऊपर मसूरी का हाल देखते हैं भाई क्या है। फिलहाल पहले देहरादून से एक बार निकलते हैं, उसके बाद मसूरी की चढ़ाई शुरू करते हैं।
भाई देहरादून और यहाँ का ट्रैफिक भाई, अभी तो मैं मसूरी पहुँचा भी नहीं, अभी से इतना ट्रैफिक, जबकि भाई वीकेंड नहीं है फिर भी ये हाल है। और अगर वीकेंड होता तो इस ट्रैफिक का तो एंड ही नहीं होता। आए क्या शायरी बनाई मैंने, हैं वीकेंड ट्रैफिक का एंड रैप लिख सकता हूँ मैं। तो भाई देहरादून से निकल के मसूरी की चढ़ाई शुरू हो गई है, देखता हूँ भाई कितनी जल्दी पहुँच पाता हूँ, क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से भाई जहाँ मेरा होटल है वो 1 घंटे के अराउंड बता रहा है, ठीक है बाकी देखते हैं भाई। बारिश का बताऊँ तो भाई अभी तो बारिश फ़िलहाल नहीं हो रही है, पहले हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि सड़कें साइड साइड से अभी भी गिल्ली हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट ठीक है अभी नहीं है, शाम को हो जाएगी तो फिर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, पैसा वसूल हो जाएगा मेरा मसूरी तक का ट्रिप। भाई ये देखो मंदिर महादेव का, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, हर हर महादेव। बाकी भाई अगर इसकी माइलेज की मैं बात करूँ ना, आप सबको दिख रहा होगा भाई इसकी जो पेट्रोल वाली सुई है ना, देखो भाई वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया उसने, तो ये टोटल चली है अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया, मतलब तब से भाई ये चली है 267 किलोमीटर, और यहाँ पे देनी है पर्ची कितने, तो भाई नीचे पर्ची काटी उन्होंने जो 12 रुपये की थी, ऊपर आने के लिए थी भाई वो पर्ची है ना, तो 12 रुपये की पर्ची काटी उन्होंने, उसके बाद अब हम फ्री हैं टोल बेसिकली। देखो ब्यूटी ऑफ मसूरी क्या सुंदरता यार, इस चीज़ के 12 रुपये तो क्या 1200 भी देने को तैयार हो यार। हाँ भाई मैं मुद्दे से भटक गया, मैं बता रहा था भाई आपको इसकी माइलेज, तो भाई अभी तक ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 268 किलोमीटर, मतलब मैंने इसको बाद में स्टार्ट किया भाई, थोड़ा 10-15 किलोमीटर बाद मेरे दिमाग से निकल चुका था, बट ये 268 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। उसके बाद मैंने जब इसका देखा ना रिज़र्व कितने में लगा था, तो वो था भाई 250 में, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो आइडिया कि 11 लीटर तेल आया था भाई इसका, 11 लीटर में ये 250 किलोमीटर चली है। रिज़र्व इसका स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, रिज़र्व स्टार्ट हो गया, बट लगा लो भाई 10 लीटर में 250, मतलब भाई 25 के माइलेज ठीक है यार, क्योंकि मैं आ भी तो स्पीड में रहा था, फिर ये 25 कम तो नहीं लगती मुझे, ठीक है भाई 25 के माइलेज यार इतनी बेकार भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, ठीक है यार जिस हिसाब से बाइक का परफॉर्मेंस है ना भाई वर्थ इट है मेरे हिसाब से तो, और मैं इसको और प्यार से चलाता ना भाई ये आराम से 30 तक दे देती, मुझे पता है, पर मैं प्यार से नहीं चलाता ना, यही गलती करता हूँ मैं, बट कोई ना इना भाई यार 25 की माइलेज भी, अगर इतनी पावर स्टेबिलिटी सब कुछ तो मिलता है मुझे इस बाइक में। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी शुरू होगी भाई यहाँ, लैंडस्लाइड भी होगी ना भाई, ये पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है, जिसके चक्कर में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी शुरू हो चुकी है भाई। ये मसूरी की रोड नहीं ख़त्म हो रही यार कब से ऐसा लग रहा है, इतना तो मेरे को चंडीगढ़ से आने में नहीं लगा भाई जितना मेरे को देहरादून से मसूरी आने में लग गया टाइम, घूमे जा रहा हूँ भाई। अब तो बस भाई जल्दी से होटल आ जाए, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत नहीं बची है बाइक चलाने की, क्योंकि समझ रहे हो ना पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है, लाइविडो बहुत ज़्यादा, और इन पहाड़ों पे आ गए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई। देहरादून पहले तो देहरादून में भाई इतना सारा ट्रैफिक, उसके बाद अब मसूरी की रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार। बट भाई अगर मौसम को बताऊँ ना, इतना ठंडा और प्यारा मौसम हो रहा है ना, मतलब मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं और मेरे ग्लव्स के अंदर तक भी भाई ठंडी हवा आ रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, इन ग्लव्स के अंदर भी मुझे ठंडी हवा फील हो रही है। फाइनली भाई इतनी मेहनत के बाद और इतना लंबा सफ़र करने के बाद मसूरी पहुंच चुका हूं, बस अब जल्दी से होटल पहुंच जाऊं भाई, फ्लैट हो जाऊंगा वहां जाके यार, जो वाट लगी है ना आज सबसे ज़्यादा थका हूं मैं, सबसे ज़्यादा, इतनी लंबी लंबी राइड्स कर रखी है मैंने पहले, बट इतनी थकान भाई कभी नहीं लगी जितनी आज लगी है भाई, ठीक है। मसूरी की गलियों में घूमता हुआ मैं भाई चढ़ जा चढ़ गई बाइक मेरी, और भाई वहाँ से ना रास्ता टूट रखा था जिसके चक्कर में दूसरी जगह से जाना पड़ रहा अब घूम के,
बस भाई अब और मत घुमाओ यार, पहली वाट लगी हुई है, कितना और कहाँ तक घूमूंगा मैं। जल्दी से अब बस होटल मिल जाए, एक बार फ्लैट हो जाऊंगा, वहीं सो जाऊंगा। भले कल सुबह उठूं जाके सो जाऊंगा भाई, जिस हिसाब से हालत टाइट हो रही है ना मेरी, ऐसे ही लग रहा है। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ रहिए।